नमस्कार सकाळर ओडिसा को स्वागत करूछि मिति स्मृति। मंडी रु चासिंग को धान न उठिबा पर्यंत संबलपुर टाउन थाना रे अटकथिबा बीजेपी नेता थाना छाडीले नाही। सरकार कोनोसी प्रतिश्रुति देई नथिबारु आंदोलन जारी रहिबो बोली रोकठोक जणाई देछंती राज्य बीजेपी सह प्रभारी विजयपाल सिंह तोमार। गतकाली मंडी रु धान उठिबा प्रसंग रे संबलपुर आरटीसी ऑफिस घेराव करितिला बीजेपी। घेराव बेले पुलिस सह बीजेपी कर्मी को ठेलापेला होइतिला आ शताधिक बीजेपी कर्मी को गिरफ करितिला पुलिस। दल अभियोग करिछि सारा राज्य रे चासी को धान बिक्री नै समस्या लागि रहिछि। चलित वर्ष मंडी खोलिबा समयरु टोकन मिलर कटनी चटनी टार्गेट नथिबा टोकन ल्याप्स आदि कारणरु मास मास धरि मंडी रे पडिछि धान। सरकार के इस व्यवहार की, इस संवेदनहीनता की जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि ये किसानों की समस्या है और इस समस्या को लेकर के ये सब नेता यहाँ डिटेन किए हुए हैं और आकर के सरकार का कोई प्रतिनिधि सरकार की तरफ से आश्वासन देता है, ऐसा होता रहा है तो कुछ विचार हो सकता था, लेकिन अब कोई नहीं आया है तो हमारी पार्टी के नेताओं ने हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने निर्णय कर लिया है, अब ये आंदोलन आगे चलेगा। संबलपुर बीजेपी रो विक्षोभ पर भुवनेश्वर रे वरिष्ठ बीजेपी नेता पृथ्वीराज हरिचंदन अभियोग करिछंती जे चासिंग को प्रति नियमित अवहेला करुछंती राज्य सरकार। धान किणारे एबे घोर अव्यवस्था तेणु चासी हंतसंत, चासिंग को पाखरे टोकन पहुंचु नाही। प्रशासन ओ मिल मालिकों को स्थला सुतुरा रे सबु चलीछि। यार प्रतिवाद रे बीजेपी मंडी को जाल अभियान आरंभ चलाइथिबा बेले सरकार आम नेता को अटक रखिछंती। वास्तव में केंद्र सरकार 2022 सुधा चाषी आय द्विगुणा करने को चाहती है, भंडूर करने को षड्यंत्र चली बीजेपी। अंधमुख बधिर सरकार कौन आभिमुख्य रोच कौ कौ परिप्रेक्षी कौन निष्पत्ति नौ कथा को अपेक्षा करूँ। जदि सरकार तुरंत से बाबद निष्पत्ति नियंती भारतीय जनता पार्टी परवर्ती पदक्षेप हिसाब से समग्र ओडिशा प्रदेश में ये आंदोलन को पूरापूरी भाव में चलेगा एवं सरकार सरकार सहित संपृक्त थिबा मंत्री अधिकारी एमानों को भी रास्ता रे चलेबा को दिया जीवन। ओडिशा को मिलिप एमएफसी सब्सिडी टंका एवं ओडिशा रु चावल किणीबा को मिलिला केन्द्र प्रतिश्रुति। चावल किणा प्रसंग रे केन्द्र खाद्य जोगाण मंत्री पीयूष गोयल को भेटिथिले बीजेडी सांसद। केन्द्र उसूला चावल किणा और राज्यर बकेया सब्सिडी प्रसंग रे आलोचना करिथिले बीजेडी सांसद। भिसी बैठक रे पिनाकी मिश्रों नेतृत्व रे बैठक रे शामिल होई 6 जन बीजेडी सांसद एमएफसी सब्सिडी बाबद को 6039 कोटी टंका दाबी करिथिले एवं तुरंत ओडिशार बकेया सब्सिडी राशि देबाकु कहिसंती पीयूष गोयल। एफसीआई उसूला चावल किणु नथिबा बि कहिथिले बीजेडी सांसद। 30 लाख टन उसूना चावल न किणिले ओडिशा 7350 कोटी क्षति सहिबो बोली कहिथिले। एफसीआई रो चिट्ठी सत्वे ओडिशा रु चावल किणा जिबा नै प्रतिश्रुति देइछंती पीयूष। ओडिशा रु उसूना चावल किणिबनी बोली चिट्ठी देइथिला एफसीआई, याकु नै प्रतिवाद करिथिले ओडिशा सरकार। एने खाद्य जोगाण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई केन्द्र खाद्य जोगाण मंत्री पीयूष को चिट्ठी लेखि एफसीआई रो चिट्ठी उपरे आपत्ति उठाइथिले। एहा परे बीजेडी सांसद माने आलोचना परे समाधान रो बाट बाहरिछि। राज्यर विभिन्न स्थान रे धान किणारे अनियमितता अभियोग। खरीफ धान किणारे अनियमितता और सरकारी निर्देशनामार उल्लंघन अभियोग रे 15 जन निलंबित होइतिबा बळे जण को बहिष्कृत करिछंती राज्य सरकार। 15 जन प्राथमिक समवाय समिति संपादक निलंबित, जणे डाटा एंट्री ऑपरेटर को बहिष्कार करिछि समवाय विभाग। 15 निलंबित प्याक्स मध्यरे संबलपुर 6 बलांगीर 5 थिबा बळे बौद्ध और केन्दुझर 2 जन लेखाएं प्याक्स संपादक अछंती। केन्दुझर सड़ा प्याक्स डाटा एंट्री ऑपरेटर चाकरी रु बहिष्कृत करा जायछि। 5T ओ मोर सरकार रे कोनोसी अनियमितता को प्रशय दिया जीव नाही बोली कहिसंती समवाय मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई। नुआ कृषि आईन प्रसंग रे सरकार कृषकों को देइथिबा 1.5 वर्षिया प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करिछंती संगठन। कृषि आईन को 1.5 वर्ष होल्ड रे रखिबा को बुधवार 10म पर्याय बैठक रे कृषक संगठन प्रतिनिधि को निज आड़ प्रस्ताव देइथिले सरकार। 1.5 वर्ष मध्यरे कमिटी तार अनुध्यान करिबो, चासी माने सेमानकर मतामत देबे, दरकार पड़िले सरकार आईन रे संशोधन आनिबे बोली कहिथिले।
सरकार प्रस्ताव उपरे गत काली कृषक संगठन गुड़िक आलोचना करते आईन प्रत्याहार एवं एमएफसी उपरे लिखित आईनगत प्रतिश्रुति व्यतीत सेमाने किछि ग्रहण करिवेनि बोली सफा सफा कहिछन्ते। बसीथिबा मिलित कृषक मोर्चार साधारण सभारे केन्द्र सरकारको पक्षरु बुधवार रखा जाइथिबा प्रस्तावको अस्वीकार करा जाइछि। समस्त तीनोटी कृषि आईन को संपूर्ण भाव रद्द करने और सब चाषी को पाई सब फसल उपरे लाभदायक एमएफसी पाई एक आईन करने नहीं कृषि आंदोलन मुख्य दाबी भाव दोहरा जाए। मिलित कृषक मोर्चा पक्षर एक प्रेस विज्ञप्ति माध्यम रे एही सूचना दिया जाए। आज एकादश पर्याय बैठक बसवाक सरकार जनइबे कृषक प्रतिनिधि सेपटे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ कमिटी गत काली आठटी कृषक संगठन प्रतिनिधि आलोचना कर 27 तारीख में आउ किसी संगठन आलोचना करेंगे। से ही साधारणतंत्र दिवस में ट्राक्टर राली प्रसंग में कृषक संगठन प्रतिनिधि सिंघु बॉर्डर में आलोचना कर दिल्ली पुलिस युग्म कमिश्नर एसएस यादव केएमपी एक्सप्रेसवे अल्प समय पर राली करने को प्रस्ताव देते तेज दिल्ली पुलिस प्रस्ताव को कृषक संगठन प्रत्याख्यान कर आउटरिंग रोड रे 50 किलोमीटर राली करिबा जीत रे सेमाने अटल अछंती। सारा देश रे चली छि कोरोना टीकाकरण प्रथम पर्याय रे देशर 3 कोटी कोरोना योद्धा को टीका देबा को चली छि टीकाकरण। गुरुवार संध्या 6टा सुधा 9,99,000 टीकाकरण सरिछि। स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु एने सूचना दिया जाइछि। सेपटे टीका नहीं सारा देशर स्वास्थ्यकर्मी कथा हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी आउ किसी मेडिकल वर्चुअल माध्यम रे फीडबैक ने आम राज्य ओडिशार कैपिटल हॉस्पिटल एवं सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फीडबैक नेबार व्यवस्था रही। टीका नहीं केमी अच्छे स्वास्थ्यावस्था पार्श्व प्रतिक्रिया देखा ना नहीं से संपर्क में प्रधानमंत्री विस्तृत तथ्य हासिल करेंगे। राज्य में जारी रही प्रथम पर्याय कोविड टीकाकरण गत काली टीकाकरण पंचम दिन 436 स्थान में 121% स्वास्थ्यकर्मी को दिया जाए टीका। गंजाम जिले में सर्वाधिक 281% स्वास्थ्यकर्मी टीकाकरण होता सूचना मिली। 84,880 जन स्वास्थ्यकर्मी को दिया जाए कोविड टीका। 20 जिले में 100% और ताठू अधिक टीकादान टीका ने 5 स्वास्थ्यकर्मी असुस्थ होता सूचना रही। अन्यपटे केवल भुवनेश्वर 1113 जन को दिजाई कोवैक्सीन टीका। आज 137 स्थान में 11,855 जन को टीका देवार लक्ष्य रखाई। मलकानगि माओवादी लुचाई विपुल विस्फोरक जबत काली मेला ब्लक गुंफाकोंडार मारिकेटा अंचल चढ़ाऊ बेले जबत कर बीएसएफ और पुलिस चढ़ाऊ बेले जिलोटीन डिटोनेटर जबत हो कालीमेला ब्लक गुंफाकोंडा बनांचल को लगी मारिकेटा अंचल नक्सल माने विपुल परिमाण में विस्फोरक लुचाई रखिथिले जहां 6 बीएसएफ बाटालियन जवान माने कंबिंग करुथिबा समय रे उद्धार करिथिले। एतरे जिलोटीन स्टिक डिटोनेटर सह विद्युत तार डिटोनेटर आउ किछि विस्फोरक सामग्री उद्धार होइछि। नक्सल माने यहाकु व्यवहार करि जवान एवं पुलिस को टार्गेट करिथांते तेबे बीएसएफ जवान को एही सफलता परे एक बड़ दुर्घटना को एड़ाई दिया जायथिबा कहा जायछि। पुरी रे सर्वसाधारण दर्शन व्यवस्थार समीक्षा करिछन्ति मुख्य शासन सचिव। श्रीमंदिर जाई महाप्रभु को परिवार सह दर्शन करिछन्ति। दर्शन बेस श्रृंखलित होइछि। 30,000-40,000 भक्त महाप्रभु को दर्शन करिछन्ति बोली कहिछन्ति मुख्य शासन सचिव। 2-3 दिन भक्तों गहली रहिबो श्रीमंदिर भितरे और बाहर दर्शन व्यवस्थार सठिक भावे करा जायछि। प्रति रविवार श्रीमंदिर बंद रहिबो सही समय रे श्रीमंदिर को सानिटाइज करा जिवो। दर्शन व्यवस्थार अनुध्यान करने गणमाध्यम आगे प्रतिक्रिया रखिछन्ति मुख्य शासन सचिव तथा श्रीमंदिर परिचालन कमिटी कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश महापात्र। फल सहित भक्त मैंने बारिकेड देखिए आसिक दर्शन करते बहुत खुशी होती। आज प्राय 30,000-40,000 भक्त पखापाखि दर्शन करी सहर मत प्राय 5-6,000 भक्त सका भोर रु दर्शन कर भावे प्रॉपर्ली कोविड गाइडलाइन मानिक समस्ते फ्यूचर जब दर्शन करेंगे तो बहुत भल हम।
सड़क सुरक्षा पर केन्द्र और राज्य सरकार पक्षर निनेक पदक्षेप सचेतनता सृष्टि दिगरे भिन्न भिन्न मध्यम अपणा जाए किंतु एबे आमे आपणको एभळी एक सचेतनतार माध्यम देखाइबु जहाँको देखि आपण भी कहिबे साबास। छोट पिलांक बड़ काम भिडियो जरिया रे सड़क सुरक्षा वार्ता मात्र एक मिनिट रो प्रामाणिक चित्र प्रशंसा साउंडले आदर्श स्कूल पिलाए सड़क सुरक्षा सचेतनता पाई ए वीडियो प्रस्तुत करी एबे चर्चा रे नयागढ़ आदर्श विद्यालय छात्र छात्री मात्र एक मिनिट रो एही वीडियो सोशल मीडिया रे आसीबा परे पल्ली रु दिल्ली सबुठु छुटीचे प्रशंसा केन्द्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ट्वीट करी स्कूल पिलांकु देइछंती साबासी। मुझे बहुत खुशी अनुभव करछि कि केन्द्र मंत्री नितिन गडकरी सर एवं हमर चीफ मिनिस्टर आमको बहुत प्रशंसा कले आम भिडियो टी देखिले ट्वीट किंतु मध्य कले आमर परिश्रम किछि तो सार्थक हेछि हेलमेट पिंधि गाड़ी चलाइबे गाड़ी चलाइबा समय मोबाइल फोन यूज करबेनि ट्राफिक रो सबु नियम को पालन कर गाड़ी चलाइबे ताहा द्वारा कि भारत रो ए दुर्घटना एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट यार हार कमिजी से आम जानबू कि आम भिडटर परिश्रम आम जी परिश्रम करूँ तार अधिक सफलता आम पाई बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी मत चलाइए नशे में ड्राइव नहीं कीजिए हमेशा नशा मुक्त होकर गाड़ी चलाइए हेलमेट यूज कीजिए गाड़ी चलाने वक्त और फोन का व्यवहार नहीं कीजिए उसके बाद छोटे बच्चों को गाड़ी नहीं दीजिए ये सब ये जो टॉपिक है हमारे वीडियो में आधारित है। एक क्षुद्र प्रामाणिक चित्र रे अभिनय करिछंती आदर्श विद्यालय रे 20 जन छात्र छात्री सुमधुर गीत सह अभिनय बेस चमत्कार होइछि। हेलमेट पिंधिबा मद्यपान और ट्रिपल राइडिंग न करिबा भली सचेतनता वार्ता रहिछि ए वीडियो रे पिलांक सह स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री माने ए प्रामाणिक चित्र प्रस्तुति रे करिछंती सहयोग सरकार जतक जाक पदक्षेप नौ सड़क सुरक्षापी सब पदक्षेप उचित पदक्षेप नौ कि लोक बेले बेले मानुना तेनाली मानवे मन को किमें जीपर ये सूचना मध्यम तेनाली छोट पिला सहायता नलु आम आदर्श विद्यालय नोतर नयगढ़ पाने बहुत परिश्रम करके बहुत मन ध्यान देखिए गीतटी करें समस्ते बहुत गर्वित आम छोट छोट पाने गीत मध्यम संगीत मध्यम जनईदे आम सचेतनता रहा दरकार सड़क सुरक्षा निहाती मानवा दरकार आम रूल्स रेगुलेशन जहाँ सब कर मानवा दरकार हेलमेट पिंधिक गाड़ी चलाचल जावास करवा दरकार एवं राज्य में चली सड़क सुरक्षा मास सभा समिति नाच गीत मध्यम सरकारी और बेसरकारी स्तर में सड़क सुरक्षापी सृष्टि सचेतनता ये दिगरे नयगढ़ आदर्श स्कूल पिलांक अभिनव सचेतनता एवं समस्त हृदय जुड़ी नहीं नयगढ़ नवकिशोर मिश्र न्यूज 18 ओडिया। ब्रेक पर स्वागत। 24 घंटे खसिबा पारत बढ़ शीत सारा राज्य में 2-3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा ह्रास पाइबा नहीं पाणिपाग विभाग सूचना देछि। तीन दिन पर्यंत पाग प्राय थंडा रहिबो किछि स्थान रे हल्का रु मध्यम धरणर कुहुडी देखिबा को मिलिबो। 24 घंटा रे सुंदरगढ़ रे सर्वनिम्न तापमात्रा 11.5 डिग्री रेकर्ड होइछे। तीन दिन परे तापमात्रा क्रमे वृद्धि पाइबो पुलिस सूचना देछि आंचलिक पाणिपाग विज्ञान केन्द्र। अपरे कोनोसी सिग्निफिकेंट सिनोप्टिक सिस्टम नाही तेनु आगामी 5 दिन जाय पाग मुख्यत भाबरे सुखिला रहिबो किंतु हालुकारु मध्यम धरणर कुहुडी जाय पई पाग उपयोगी रहितबारु आगामी 3 दिन जाए आमर हालुकारु मध्यम धरणर कुहुडी पई किछि जिल्ला को गोटे रु 2 स्थान रे फोरकास्ट जारी करा जाय। आगामी 24 घंटा रे ओडिसा रे जिल्ला गुडी को 2-3 डिग्री सेल्सियस तळ खसिबार संभावना रहउछि किंतु परवर्ती समय रे धीरे धीरे एही तापमात्रा आभ्यंतरण ओडिसा रे जिल्ला गुडी को 3-4 डिग्री वृद्धि होबार संभावना थिला बेले उपकूलवर्ती जिल्ला गुडी को 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड
वृद्धि होवार संभावना रहुछि। जनवरी मास शेष हेबाकु बसिलाणी हेले केन्दुझर जिले में शीत कमिबार ना नेउनी केबे केबे कुहुडी मध्य पडुछि। शीतर रक्षा पाइबा लोकमाने विभिन्न उपाय अवलंबन करुछन्ति। सखाळे लोके जाडुर रक्षा पाइबा निया पुइछन्ति। जनवरी मास शेष भाग बसिलाणी हेले केन्दुझर जिले में एबे भी शीत जारी रहिछि। शीत रक्षा लोकमाने नाना उपाय अवलंबन करुछन्ति। शीतरे कौन रही लोक प्रतिक्रिया आसत सीधा सब जाना शीत के असुविधा भोग कर बहुत शीत हो मोदी सरकार आम कथा कि बुझुना आमर घर ना दुआर ना बिल ना बाड़ी ना कि ना आम को कि सुविधा मिलूना मुझे ग्रीन कार्ड खंडे करी ताकू भी काटिदे आमती चलमी मो छुआ दोटी की कि सुविधा ना मु भंगा पड़िया पड़ रही बहुत बहुत शीत हो कौन कर लुगापटा नाक कमा ना शीत वस्त्र कि ना कहीं हराण हो ठंडा बहुत जोर हो ठंडा बहुत ठंडा शीत बहुत असुविधा कौन से शीत जाड़ रोचा सेक अलिया मलिया ठुले घर द्वार केमिति कोन अछि असुविधा कोन अछि चितरे सब को खराब अछि त कोन भल अछि बाकी कोन कहबे देखि जे कोन कहबे शीत केते होछि आ केते बहुत प्रबल जोर शीत होछि चाळ घर आ शीत वस्त्र विशेष नै निया गति सिकिउछु आ केते असुविधा लोक मारे बहुत असुविधा लोक सम्मान रहउछन कोन चाहउछन कोन किछि गोटे गवर्नमेंट सहायता मिलले त गोटे उपकृत होनते शीत बढ़ी जाइए भंगा कुड़िया घर घर द्वार ना लुगा वस्त्र किसी ना हरा जानवर देखी ना शीत जोर सोर होड़ा मुणुका घोड़े घोड़ा ढाक ढुंगा बुलू जिल्ला रे एबे भी शीत अनुभूत होता बेले गरीब लोक माने नाना हैरान होती। महापत्र न्यूज 18 ओडिया। उद्घाटित हेला 15तम जातीय हस्तशिल्प बेला तोषाळी 2021 वर्चुअल माध्यम रे उद्घाटन करिछंती मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मेला फेब्रुवारी 4 तारीख पर्यंत चलिब। चलित वर्ष 15 दिन व्यापी हेबाकु थिबा एही मेला रे मोट 250 टी हस्तंत ओ हस्तशिल्प स्टॉल खोला जायछि। जोग देइछन्ते राज्य और राज्य बाहर रा हस्तशिल्पी और बुणाकार। आरंभ हेला तोसाळी मेला। कोविड कटकणा भितरे राज्य हस्तंत बयन एवं हस्तशिल्प विभाग द्वारा आयोजित होईछि तोसाळी जातीय हस्तशिल्प मेला 2021। भुवनेश्वर जनता मैदान में आयोजित जातीय मेला को उद्घाटन करिछन्ते मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री कहते पूर्व भारत सबुठार बृहत मेला एक असाधारण परिस्थिति रे आयोजित होतीस कोविड गाइडलाइन कड़ाकड़ी भाव पालन करने को परामर्श देते नवीन। उद्घाटन समारोह हस्तंत बयन एवं हस्तशिल्प विभाग मंत्री पद्मिनी दियान मंत्री अशोक पंडा भाग नहीं बुणाकार मान उत्साहित कर किंतु आमर स्टॉल रे जिते लोक अच्छा समस्ते देखिबे किणिबे आम आशा रखुछु एही वर्ष केमिति भलरे एबो कोरोना कटकणा माध्यम रे भी तोसाळी मेला चालीछि सेतपई धन्यवाद देबी आमर बुणाकार भाई भौनी माने एठी आसिकिरी समस्ते बिक्री करिवे। बड कथा होउछि जो देश भीतर अन्य राज्य रो आसंदे आर्टिस्ट आम आठिंग भर गोटे भाव आदान प्रदान तोसाळी मेला सदा से क्षेत्र में अवदान रखी एथर मध्य टे फिका लगुच देखे फेब्रुआरी 4 को गहली कलाकृति सम्मान मिलला आमको पिपिली चांदुआपी जगन्नाथ बड़ सिंगार वेश तैयारी आज कलाकृति सम्मान राज्य सरकार तरफ मिलला खुशी बहुत खुशी अनुभव कर। प्रतिवर्ष डिसेंबर मासरे आयोजित हुए तोसाळी मेला एथर कोविड पाई सामान्य विलंब होईछि। चलित थर जनवरी 21 रु आरंभ होई फेब्रुवारी 4 तारीख पर्यंत चलिबो।
15 दिन व्यापी हेबाकु थिबा मेला रे मोट 250 हस्तंत ओ हस्तशिल्प स्टॉल खोला जाइछि। आम राज्यर प्राय 170 एवं बाहर राज्यर प्राय 80 जन हस्तशिल्पी ओ बुणाकार माने जोग दैछन्ति। कोविड परिस्थिति को दृष्टि रखी कोनोसी सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा जाई नाही। निश्चिंत आशा रखुछु भल हबो। आज तो फर्स्ट टाइम खोलिछि, निश्चिंत आशा रखुछु भल हबो। तथापि सेते टिके भल लागुन, तथापि आशा रखुछु चालियो व्यापार भल। बहुत आसछन्ति, बहुत एरिया रु आसछन्ति, व्यापार भल हबो। मेलाकु आसुथिबा दर्शकंकर कोविड नियम अनुसारि थर्मल स्क्रीनिंग कराजिबो। विभिन्न स्थानरे हैंड सानिटाइजर रखा जाइछि। दर्शकंकु सामाजिक दूरता बजाय रखिबा सह मास्क पिंधिबाकु निवेदन करा जाइछि। भुवनेश्वरु कैमरामैन प्रशांत पात्रंक सह मनोज जेना, न्यूज एट नोडिया। कोविड महामारी परस्पर मध्यरे सहयोग भावनाकु सुदृढ करिछि, जहाद्वारा पूरा देश एकजुट होइ एहार मुकाबिला करिपारिबो। टीकार घोषणा परे आमे समस्ते निज निजर श्रेष्ठ योगदान करिपारिबा। एहाद्वारा आमे समस्ते एक होइ भाइरसकु हराइबारे सक्षम हेबा। एहि अभियानरे आपणक सह रहिछि नेटवर्क 18। जेपर्यंत समस्ते सुरक्षित होइ नाहंति सेपर्यंत केहि सुरक्षित नुहंति। तेणु एहि भावना आधारे आमर क्यांपेन संजीवनर लक्ष्य हेउछि टीका पाइबा समस्त भारतीयंक अधिकार। समय होइछि सकाळ ओडिसा रे खबर एतिकी। नमस्कार।